अरे ओ सांभा, होली कब है रे? इस हराम खोर का आज जन्मदिन है और साले को होली की सूझ रही है। अरे ओ सांभा, मुंह में कुत्ता मूत गया क्या? अरे सरकार, होली गई तेल लेने, आज तो कुछ खास है। कुछ खास? अरे साहब साहब, बोल बात क्या है? अरे सरदार, आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है। अरे वो क्या होता है? अबे गवार आदमी, अंग्रेजी भी नहीं आता है? दो चार क्लास पढ़ लेता तो आज डाकू नहीं होता तू। सुअर के बच्चों। जी पापा। अरे तुमको नहीं रे, का कहा तू? अरे गुस्ताखी माफ सरदार, आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन। का कहा? हमारा जन्मदिन? अरे आज के दिन हम पैदा हुए थे। अरे सरदार, तोरे जैसा लोग पैदा नहीं होता है, वो डायरेक्ट जहन्नम से उतार लेता है अवतार। सुअर के बच्चों। जी पापा। अरे तुमको नहीं रे, हम जानते, हम तोरे बाप हैं। अरे वो सब छोड़िए सरदार, सरदार आज तो गुफा में केक कटेगा, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक भी आनी चाहिए आज। अरे सरदार, उर्फी जावेदा को भी मंगा लेते, उसको भी नचवा देते है। तोहरी अम्मा को ना नचवा दे है? उर्फी जावेदा को बुक करने का पैसा नहीं है हमारे पास। वैसे सांभा, तुम हमको पहले कहे नहीं बताए रे कि हमारा जन्मदिन है, है? गुस्ताखी माफ सरदार, अगर हम पहले बता देते कि तुम्हारा जन्मदिन है तो क्या नहा लेते तुम है? सुअर के बच्चों। जी पापा। अरे तुमको नहीं बोले सरदार, आपके दोनों बच्चे भी आपको सुअर समझते हैं। का कहा? हम पे जोक मारता है, तेरे को पता नहीं हम कौन है? हम गब्बर है गब्बर। दूर कहीं जब बच्चा सुबह उठता है तो उसकी अम्मा कहती है, टट्टी जल्दी से कर ले वरना गब्बर आ जाएगा और टट्टी निकलने से पहले ही कैच कर लेगा। हमारा तो नाम सुन के ही उसका निकल जाता है टट्टी। ए सरदार, काहे इतना फेंक रहे हैं? कोनो कोई बच्चा नहीं रोता है, गांव की सारी लुगैया तोहरे डर से भाग गई है, तो जब लुगैया ही नहीं है तो कहाँ बच्चा होगा गांव में है? फालतू का झूठ बोलता रहता है। ए कालिया, ज्यादा फालतू बोलेगा रे हमसे है? तेरे को पता है सरकार कितना इनाम रखी है हमारे ऊपर? इनाम चक्कर के नाम रखी है। वो गांव में जो पर्चा चुपका हुआ है ना 50,000 रुपए का, वो तू ही जाके चुपका के आया है, हम देखे हैं रात में। ये साला, ये कब देख लिया हमको पर्चा चुपकाते हुए? अरे हाँ हाँ, माने वो पर्चा हम चुपकाए हैं, पर सरकार कुछ तो इनाम रखी है ना हमारे ऊपर। गुस्ताखी माफ सरदार, आपके ऊपर कोनो इनाम विनाम नहीं रखी है सरकार ने। सरदार, सरकार ने जो पर्चा चुपकाया है ना, उसमें लिखा हुआ है कि गब्बर एक नंबर का कामचोर आदमी है, वो आए तो उसे धुतकार दो, एक ना एक दिन अपने आप ही नाले में डूब के मर जाएगा। सुअर के बच्चों। जी पापा। अरे तुमको नहीं बोल रहे, इनको बोल रहे हैं, जब से देखो जी पापा जी पापा जी पापा, एकदम चुप। और हाँ सांभा, हमसे गुस्ताखी करता है। सरदार माफ कर दो सरदार। अरे सरदार माफ कर दो ना इसे है। बड़ा दोस्ताना है रे तुम दोनों के बीच में है? अरे सरदार, हम जय और वीरू की तरह अच्छे दोस्त हैं। कहा, कहा? साले ड्यूटी हमारी करते हो, सैलरी हमारी लेते हो और तारीफें दुश्मनों की करते हो। सुअर के बच्चों। जी पापा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।